हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, गुस्सा कितना खराब होता है इसका अंदाजा आपको इस खबर को देखकर लग जाएगा। यूपी में रुपयों को लेकर पिता और बेटे के बीच में ऐसा विवाद हुआ कि बेटे के सिर पर खून सवार हो गया। गुस्साया बेटा अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर कार से जैसे ही घर से बाहर निकला तो पिता, बहन और माँ उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन गुस्साया बेटा तो बौखलाया हुआ था, लिहाजा उसने अपनी सुध बुध खो रखी थी। माँ, बहन और पिता उसे रोक रहे थे, लेकिन गुस्साए बेटे ने पिता, बहन और माँ को कार से टक्कर मार दी, जिससे पिता बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बेटे का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, वो पत्नी को लेकर कार से तेजी से जा रहा था। इस दौरान पत्नी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो गुस्से में आकर उसने कार को 100 की रफ्तार से गंगा नदी में कुदा दिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला कोतवाली इलाके के सीकरी खादर गांव में साबिर का परिवार रहता है। साबिर के 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। इनमें 22 साल का बेटा शाने आलम घर का बड़ा बेटा था। शाने आलम गांव में ही टेलर की दुकान का काम करता था, वहीं वो सिलाई का ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली भी जाया करता था। 5 महीने पहले ही शाने आलम की शादी पास के ही गांव कसेरुआ की रहने वाली नाजिया से हुई थी। नाजिया इस वक्त 4 महीने की गर्भवती थी। लोगों ने बताया कि गुरुवार को शाने आलम का अपने पिता साबिर से रुपयों को लेकर खूब विवाद हुआ था। दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ, जिसके बाद शाने आलम गुस्से में अपनी पत्नी नाजिया को लेकर वैगनार कार में बिठाकर रात करीब 8 बजे घर से बाहर निकल आया। शाने आलम जैसे ही घर से बाहर निकला, पिता साबिर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने उन्हें कार से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे दौड़ी बहन और माँ को भी उसने टक्कर मार दी, इससे तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद वो 80-90 की स्पीड से कार दौड़ाने लगा। इस दौरान रास्ते में खड़े एक ई रिक्शा को भी उसने ठोक दिया। वहीं गर्भवती पत्नी नाजिया ने उसे रोकना चाहा तो वो नहीं माना और गुस्से में आकर उसने एक गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर बह रही गंगा नदी में कार को कुदा दिया। वहीं माँ और बहन भी चोटिल हो गए। लोगों ने तीनों को पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ साबिर की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं कार के गंगा में गिरते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी ने कार की काफी तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। वहीं शुक्रवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर शाने आलम का शव पुलिस को बरामद हुआ, लेकिन नाजिया और कार का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस अभी भी कार और नाजिया की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि गंगा का बहाव काफी तेज है, लिहाजा संभल और बुलंदशहर पुलिस को भी इस हादसे की सूचना दी गई है। वहीं बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा, यूनिजूपी।